शुभमन, तो भाई क्या हाल चाल है सभी के? सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। तो भाई आज की वीडियो का सीन कुछ ऐसा है कि मैं हूँ घर में अकेला और अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं भाई। तो मैं यार एक बार ना गूगल पे आपको टाइम दिखा देता हूँ। गूगल पे टाइम, इंडिया टाइम टुडे। हाँ तो भाई टाइम हो रहा है 1:34, आई थिंक आपको दिख रहा होगा सभी को। तो भाई घर में अकेला हूँ और मैंने सोचा है कि आज कैंडी मैन चैलेंज गेम खेलता हूँ, ठीक है। और ये बात मैंने ना राजेश को नहीं बताई कि मैं घर पे अकेला हूँ और मैं ये गेम खेल रहा हूँ। तो भाई गेम के रूल बता देता हूँ आप लोगों को और स्टोरी भी बता देता हूँ यार। तो भाई सीन कुछ ऐसा था कैंडी मैन गेम का कि भाई एक डैनियल नाम का ना बंदा होता है। काफी पुरानी बात की टाइम है जब ना यार लोगों पे शासन होता था, गुलाम होते थे लोग सबके। तो भाई एक फार्म में ना डैनियल ना गुलाम था, ठीक है। तो यार वो ना वहां पर काम करता था डैनियल। तो जो फार्म का ऑनर था ना, तो भाई उसको ना अपनी बेटी का ना स्केच बनाना था, मे बी गिफ्ट करने के लिए कुछ भी, ठीक है। तो भाई डैनियल में ना वो टैलेंट था कि वो स्केच बना सके। तो डैनियल को उस राजा ने, मतलब उस फार्म के ऑनर ने ना स्केचिंग के लिए चूज किया कि भाई तू मेरी बेटी का स्केच बनाएगा। तो भाई होता ही हुआ है कि डैनियल ना उसकी बेटी का स्केच बनाने के लिए ना उसके घर पे जाता है। तो स्केच बनाते बनाते ना दोनों के बीच में हो जाता है प्यार, ठीक है भाई, दोनों की हो जाती है सेटिंग। तो भाई दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है बढ़िया वाला। तो भाई जो डैनियल होता है ना वो होता है ब्लैक मैन, जो हम आजकल कहते हैं हप्सी। तो डैनियल होता है हप्सी और जो वो होती है फार्म ऑनर की बेटी वो होती है गोरी वाइट, ठीक है। तो भाई लड़की के बाप को ना वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि उसकी बेटी किसी ब्लैक मैन के साथ लव करे या शादी करे, इन फ्यूचर उसकी बहुत बेइज्जती होगी। तो होता ही हुआ है जो फार्म का ऑनर होता है ना वो अपने कुछ गुलामों को ना डैनियल को मारने के लिए भेज देता है। तो भाई डैनियल भगता है गुलामों से बचने के लिए, बट एट द लास्ट ना वो पकड़ा जाता है और जो उसका राइट हैंड होता है ना जिससे वो पेंटिंग बनाता है वो हैंड उसका कट कर देते हैं। बट फिर भी वो मानते नहीं है उसको। उसके ऊपर ना बहुत सारा शहद होता है ना, शहद हनी, उसके ऊपर पूरा हनी से ना उसको नला देते हैं बढ़िया तरीके से और उसको ना मधुमक्खियों के छत्ते के पास ना छोड़ देते हैं। तो यार हनी है तो मधुमक्खी आएगी आएगी, चिपकेगी चिपकेगी। तो भाई सारी मधुमक्खियाँ आती हैं और उसको काट काट के मार देती हैं और उसकी बहुत भयानक तरीके से ना मौत हो जाती है। तो कहा यूँ जाता है कि जो उसका हाथ कटा था ना मरने का, उसके ना यहाँ हुक लग गया था। कहते हैं ना हाथ कटने का हुक लगा लेते हैं, तो हुक लग गया था। और गेम खेलने का रूल ये है कि हमें शीशे के आगे कैंडल लेके जाना है और हमें 5 बार बोलना है कैंडी मैन कैंडी मैन कैंडी मैन कैंडी मैन। और ये 5 बार बोलने के बाद क्या होगा, हमारे बैक साइड कैंडी मैन आएगा हाथ कटा हुआ और उसके हुक लगा होगा और हुक से ना हमें मार देगा वो वहाँ पे। तो भाई गेम कुछ इस तरीके से है। तो यार मैं कैंडल्स तो ले आया हूँ, कैंडल तो ठीक है, बट एक और स्पेशल चीज़ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। EMF मीटर लेके आ गया हूँ मैं। तो भाई अगर मेरे को कुछ फील नहीं होता है तो मे भी इसके अंदर कुछ कैच हो जाए, ये इसकी बत्तियां जल जाए ज्यादा या कुछ, ठीक है। तो भाई चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं। तो यार फाइनली ना मैं वॉशरूम के अंदर आ गया हूँ और मैंने सारा सेटअप कर लिया है। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। यार देखो, एक कैंडल तो मैंने यहाँ जला ली, एक कैंडल यहाँ जला ली और ये रखा EMF मीटर। और भाई एक कैंडल ना मैंने हाथ में पकड़ी हुई है। तो भाई चैलेंज करते हैं चालू, ठीक है। तो भाई हमें क्या करना है, 5 बार बोलना है कैंडी मैन आ जाएगा और हमें मार देगा, ठीक है भाई। तो यार करते हैं कैंडी मैन कैंडी मैन कैंडी मैन कैंडी मैन कैंडी मैन। तो भाई आएगा कोई? मैं तो शीशे में देख रहा था, मुझे दिख जाता पीछे भाई, बट कोई नहीं आया। तो यार थोड़ी ना बोरिंग लगेगी, बट करते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट तो करा है तो करना पड़ेगा। एक बार और करते हैं कैंडी मैन कैंडी मैन कैंडी मैन कैंडी मैन कैंडी मैन। भाई कुछ भी फील नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बस बोरिंग बोरिंग सी गेम लग रही है। कैंडल सारी वैसी की वैसी है, मेरे हाथ की कैंडल भी वैसी है, वॉशरूम में मेरे अलावा कोई नहीं है। तो यार लगता है मुझे फील नहीं हो रहा होगा। चलो EMF मीटर चालू करके देखते हैं। एक कैंडल रख देते हैं भाई यहाँ पर और ये रहा EMF मीटर, ठीक है भाई, इसे कर लिया हमने चालू। तो भाई इसमें जल नहीं रही लाइट एक भी, अभी एक ही है। तो भाई कहते यूं है कोई भी स्पिरिट आती है तो इसकी लाइट जल जाती है और हम जितनी लाइट बोलते हैं ना उतनी लाइट जलाते हैं। तो भाई ये मीटर कर लिया चालू और मैं एक बार और बोलता हूं कैंडी मैन कैंडी मैन कैंडी मैन कैंडी मैन कैंडी मैन।
भाई एक भी बत्ती नहीं जली, ना मेरे पीछे कोई आया है ना एक बत्ती जली है भाई। बहुत ज्यादा बोरिंग गेम लग रही है मेरे को ये तो यार नहीं भाई। हाँ भाई इधर करते के साथ बत्ती जल रही है इसकी, देखो ब्लिंक भी कर रही है यार। पता क्या है, कुछ नहीं है भाई। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड के पास ये जाएगा तो इसकी बत्ती जलेगी। तो यार मैं कैमरे की तरफ जब करता हूँ ना तब इसकी बत्ती जलती है, मे बी कैमरे की रेडिएशन की वजह से जल रही हो। बट यार मैं से जब शीशे की तरफ करता हूँ ना तो बस इसमें एक ही बत्ती जल रही है और इधर करने पे दो जल रही है। कहते हैं यूं है, अगर कोई स्पिरिट आ जाती है ना तो हम जितनी भी लाइट इसमें जलाने के लिए बोलेंगे ना वो उतनी लाइट जलाएगा। तो यार चलो बोल के देखते हैं भाई, अगर कैंडी मैन तू यहाँ पर आ गया तो इसकी तीन लाइट जला के दिखा दे मेरे को। तो भाई नहीं जल रही, एक ही जल रही है, ब्लिंक कर रही है, वो भी रेडिएशन की वजह से जल रही है मेरे हिसाब से। अगर आपको मानना है स्पिरिट आई है तो मान लो भाई, लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई रेडिएशन की वजह से हो रहा है ये। तो यार मैं एक बार इसी तरफ करके फिर बोल देता हूँ, कैंडी मैन कैंडी मैन कैंडी मैन कैंडी मैन कैंडी मैन। भाई नहीं जली एक बार भी, अब तो पास आने पे भी और दूर जाने पे, नीचे करने पे जल रही है, नीचे जलने पे तीन जल रही है भाई, पता नहीं क्या माजरा है। तो यार मेरे को नहीं लग रहा है कैंडी मैन गेम कुछ है, बकवास बोरिंग गेम है बिल्कुल यार, बिल्कुल बोरिंग गेम है बकवास सी। तो यार खत्म करते हैं इस गेम को, यहाँ पर सबने अफवाह फैला रखी है, जितनी और भी यूट्यूबर्स ने ये गेम बनाई है, किसी को कुछ दिखता है, किसी के घर में कुछ होता है। तो यार आज की वीडियो को ना यहीं खत्म करते हैं, कुछ नहीं है इस गेम में। ईएमएफ मीटर के साथ भी आपको दिखा दिया है, बत्ती जली तो यार वो रेडिएशन की वजह से भी जल सकती है बत्ती। तो यार चलो खत्म करते हैं इस गेम को।